पापा मम्मी। अरे बेटा मम्मी घर पे है, कोई और होगा। पापा पापा मम्मी। कहाँ है मम्मी? वो रही। अरे हाँ तो ये किसके साथ है? इसका पीछा करता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको फोन लगाता हूँ। अरे एक मिनट रुको, मेरे पति का फोन आ रहा है। क्या? तुम चुप रहना। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? मैं वो मार्केट आई हुई थी। बाजार? हाँ, वो थोड़ा सामान खत्म हो गया था, सामान लेने। हाँ बस घर ही जाने लग रही थी। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरे को आने में ना अभी 2-3 घंटे लगेंगे। 2-3 घंटे लगेंगे? फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम से आना। हाँ मैं बस पहुँच ही रही हूँ। क्या हुआ? तो अभी 2-3 घंटे और लगेंगे, चलो घर पे चलते हैं। बेस्ट आइडिया, 1 घंटे तुम्हारे पास रहूंगा फिर घर निकल जाऊंगा, फिर तुम्हारा पति आता रहे आराम से, हम तो अपना टाइम स्पेंड कर ही लेंगे ना। ये बाहर घूमते घूमते ना परेशान हो गया हूँ, आराम से घर में इसमें बैठ लेंगे। ठीक है चलो। काफी अच्छा घर है तुम्हारा। अच्छा तो होगा ही, इतना पैसे वाला जो है हर वक्त पैसों का रोब झाड़ता रहता है। वैसे एक बात बताओ, हमारी कुछ बात हुई थी, याद भी है तुम्हें? हाँ मुझे अच्छे से याद है, एक बार काम तो हो जाने दो, तभी तो कुछ कर पाऊंगी ना। अरे सिंपल सी बात है, मारना ही तो है उसे, और उसका बच्चा है, उसे तो मैं कभी भी निपटा सकता हूँ। बस एक बार प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो तुम, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, तो अपना काम भी आसान हो जाएगा और रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। और हाँ इस तरह से मारेंगे कि कोई एक्सीडेंट ही लगेगा, उसकी फिक्र मत करो, कोई भी पकड़ा नहीं जाएगा। वो बात तो ठीक है, कोशिश तो कई बार मैं भी कर चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, जब भी मैं प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाने जाती हूँ ना, उसकी माँ वो बीच में टांग घुसा देती है। ठीक है, वैसे भी 1 घंटा है हमारे पास, हम ना थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, मैं फिर चला जाऊँगा। अगर पता चला कि वो जल्दी आ गया तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी ना, क्या बहाने बनाएंगे हम? उसका नाम लेके क्यों मेरा मूड खराब कर रहे हो? चलो। वाह, यही देखना चाह रहा था मैं, तुम्हें क्या लगा था कि मैं 3 घंटे बोल के किसी काम से जाऊंगा? मैंने तुम्हें देख लिया था, जो गोलगप्पे की दुकान पे तुम्हारा चल रहा था ना वो अपनी आंखों से। वो तो अच्छा हुआ कि करण ने देख लिया, वरना मेरे को तो पता ही नहीं चलता कि तुम लोगों का ये सब चल रहा है। तुम गलत समझ रहे हो, वो तो मेरा दोस्त है। हाँ मैं मार्केट गई थी ना, मैंने तुम बताया था कि मुझे वही मिल गया था, तो हम लोग गोलगप्पे खाने लगे, तो मैं गलत कैसे सोच सकते हो? कम से कम मुझसे पूछ तो लेते। और नॉर्मल सी तो बात थी, मैं बस अपने हाथों से तो गोलगप्पे खिला रहा था, और इसे दोस्तों खिला देते हैं ना, ऐसे क्या परेशानी है? अच्छी बात है, खिला देते हैं, वो बात तो ठीक है। चलो और ये रूम में तुम दोनों अकेले क्या कर रहे हो? एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ नहीं आता टाइम पर तो तुम्हारा तो जो चल रहा था वो चलता रहता। अरे नहीं कुछ भी नहीं चल रहा था, बात यह कि आपका घर बहुत अच्छा है, ये तो मेरे को हाउस टूर दे रही थी। आपका घर बहुत प्यारा है ना, तो मैं भी अपने यहाँ ऐसे ही कुछ काम करवाऊंगा, तो बस और कुछ नहीं। तुमको मैं इतना प्यार करता था, उसका ये सिला दिया? अरे हमारा एक बच्चा भी है, तुमको कम से कम उसकी शक्ल तो याद आनी चाहिए ना, तुम इसके साथ ये सब कर रही थी, बताओ क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या कमी रह गई थी तुम्हारे प्यार में? तुम्हारा प्यार ना मेरे लिए कैद की तरह बन गया था, मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करा दी, मैं ना जीना ही भूल गई थी। के बाद मुझे नवीन मिला, मैं भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, तुम्हारे घर और परिवार में ही उलझ के रह गई थी। मतलब तुम ये चाहती हो रातों को तुम क्लब जाओ, सुबह दोस्तों के साथ घूमो? अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम मेरी पत्नी हो, अगर मैं कोई रोक टोक कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। कहते हैं ना जिस औरत का पैर निकल जाता है ना तो उसको कभी रोका नहीं जा सकता, वही हाल तुम्हारा है। जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उसने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है, जब तुम अपने बच्चे की नहीं हो सकती तो मेरी की खाक होगी। मगर अब नहीं, अब तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, तुम्हें भी और तुम्हारे घर वालों को भी मैं घसीट के लाऊंगा कोर्ट में। तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो घर का मामला है, कोर्ट कचहरी तक खींचोगे तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? प्लीज ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी नहीं मिलूंगी इससे। अब कभी नहीं मिलूंगी? अब तुमको अपनी बेइज्जती याद आ रही है? अरे तुमको जब सोचना था, जब तुमने इसके साथ अपनी टाका फिट किया था। अब मैं ना तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, उनने बोला था ना कि हमारी बेटी तो गाय है, जैसा आप चलाओगे वैसे चलेगी, दिख रहा है मुझे कैसे चल रही हो तुम। अब मैं ना तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकता,
मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हें समझा कर ना अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अब तो मैं तुमसे तलाक लेकर ही रहूंगा। तुम दोनों ना मेरे घर से निकल जाओ।